ऑनलाइन फ्रॉड करने का कारोबार पूरे देश में अब जोर शोर से चल रहा है। एक फ्रॉड करने वाले ने पहले 15,000 अकाउंट से उड़ाए, फिर 8,000 वापिस भी किए हैं। दिन ब दिन ऑनलाइन पैसे उड़ाने के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर साइबर सेल कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वाड़ी में एक लड़की के 3 लाख उड़ाने के बाद अब और एक नया मामला वाड़ी में ही सामने आया, जिसके कारण नागरिकों में अब खलबली मची है। वाड़ी 10 नंबर नाका पॉपुलर सोसाइटी निवासी प्रमोद सिंह, उम्र 33, शनिवार 25 अप्रैल को 15,000 रुपए ऑनलाइन उड़ाए। जैसे ही मोबाइल पर मैसेज आया, तब पता चला कि पैसे निकाले गए। प्रमोद के पास मिनी ट्रक गाड़ी है। गाड़ी का फास्टैग कार्ड ब्लॉक होने से प्रमोद सिंह ने SBI के कस्टमर केयर को फोन के कार्ड शुरू करने को कहा गया। उस पर उन्होंने कहा कि लास्ट रिचार्ज कब किया, यह पूछा गया। वह लिंक भेजी गई, उस लिंक पर जानकारी डालने को कहा गया। जानकारी डालते ही कुछ देर में 10,000 रुपए उड़ाए, बाद में 5,000, कुल 15,000 रुपए उड़ाए गए। प्रमोद ने पैसे उड़ाने वालों को फोन कर पैसे वापस मांगे, रोना धोना किया। लॉकडाउन में काम धंधे नहीं है, पैसा नहीं है, अब क्या करूं, पैसा दे दो। बोलने पर कुछ दया दिखाकर 8,000 रुपए प्रमोद के खाते में शनिवार को ही ट्रांसफर कर दिए गए। 7,000 रुपए नहीं देंगे, जो करना है कर लो, ऐसा बोलकर फोन बंद कर दिया। यह जानकारी प्रमोद ने साइबर सेल में शिकायत में कही। प्रमोद का SBI में खाता है, गाड़ी मालक होने से फास्टैग कार्ड का उपयोग करते हैं। अब सामान्य लोगों को भी ऑनलाइन बैंकिंग का शिकार होना पड़ रहा है। मेरा गाड़ी में SBI बैंक का फास्टैग है, जो कि मेरा ब्लॉक हो चुका था। मैंने एजेंट को कई बार कॉल किया, एजेंट कोई रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो मैंने फिर एजेंट से पूछा, तो उन्होंने बोले मैंने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन कर लो आप भी। तो मैंने स्टेट बैंक की टोल फ्री नंबर पर गया, सर्च किया, तो वहाँ से मैंने उनका नंबर लिया 1800123566। उस पर मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद उनको मैंने अपनी सारी डिटेल बताई, तो उन्होंने बोले ठीक है, आपका चालू हो जाएगा, हम आपको एक लिंक भेजते हैं। तो उन्होंने एक लिंक भेजा, एज इट इज़ उसमें पूरा मेरा नाम, लास्ट रिचार्ज कितने का था, कौन सा ATM कार्ड से आपने क्रेडिट कार्ड से मतलब पेमेंट किया वो था। फिर उन्होंने एक दूसरी लिंक भेजे, बोले इसको आप डाउनलोड कर लो और इसके बाद फिर अपना कार्ड डिटेल डालो। तो डाउनलोड करने के बाद उनको मेरे जो भी कार्ड डिटेल डाला, मतलब एक्चुअली समझ लो मेरा मोबाइल ही हैंग हो गया था, उनको पूरा दिखता चला गया। जैसे ही उन्होंने हैंग मेरा मोबाइल हैंग किया, तो पट से मेरा पूरा पैसा 15,000 रुपये अकाउंट से नील हो गया। नील हो गया तो मैं रोने वोने लगा, एकदम गाने लगा, एकदम क्या करूँ क्या नहीं। मैं फिर एकदम बहुत ही अपसेट हो गया, कम से कम आधे घंटे तक उनको कॉल किया, तब उन्होंने कॉल उठाया मेरा। फिर मैंने उनको बोला भैया लॉकडाउन का समय है, आप ऐसा अगर करेंगे इस परिस्थिति में तो मैं क्या करूँगा, मार्केट पूरा बंद है, पूरी दुकानें बंद है, कहीं भी कुछ नहीं मिल रहा है, आप इस सिचुएशन में आप मेरा पूरा 15,000 ले लिए। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद दया खा के मेरे 8,000 रुपये लौटा दिए, और बाकी के पैसे बोले वो भी दे देंगे, लेकिन उन्होंने मेरे को 1 रुपये नहीं दिया और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहे हैं वो भी। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन से वापस उन्होंने साइबर सेल भेजा, साइबर सेल में गया, वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज किया है। उन्होंने बोले ऐसे जो भी हम रिक्वेस्ट आपकी ले ले रहे हैं, लेकिन जो भी होगा प्रोसीजर इसका हम आपको बताएंगे। ऑनलाइन पैसे उड़ाने वाले चोर ने भी ईमानदारी दिखाई, 15 में से 8,000 रुपए चोर ने वापस किए, ऐसी घटना शायद ही पहली बार हुई है। इन BCN न्यूज़ के लिए वाड़ी से सुनील शेट्टी के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।